चटपटी करारी कढ़ी में डूबे हुए नरम नरम से पकौड़े खाना किसे पसंद नहीं है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा शानदार सी रेसिपी जिसे खाते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ सुहा, आप देख रहे हैं सुहा जावेद कुकिंग फूड। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए यहाँ पर हम ले लेंगे एक भगोना और उसमें ले लेंगे 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल। यहाँ पर आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। यहाँ पर मैं क्यूमिन सीड यानी जीरा ऐड कर दूंगी और 1 चम्मच ऐड कर दूंगी मेथी दाना। मेथी दाने से भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप इसे मिस मत करिएगा और 1 चम्मच ज़रूर ऐड करिएगा। और यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी अनियन। यहाँ पर मैंने अनियन को इस तरीके से ग्राइंडर जार में एकदम पीस लिया है, यानी इसका एक पेस्ट बना लिया है। आप चाहें तो खड़ी भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से ऐड करेंगे तो फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी कढ़ी। तो आप इस तरीके से ऐड करिएगा। और यहाँ पर हम कर लेते हैं तैयारी थोड़ी सी। तो यहाँ पर मैंने मट्ठा यानी छाछ ले लिया है। यहाँ पर मैंने 1 लीटर लिया है और इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 चम्मच बेसन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बेसन ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आप चाहें तो यहाँ पर क्वांटिटी कम या ज़्यादा रख सकते हैं, जिस हिसाब से आप अपने लिए बना रहे हैं। और हम इसमें यहाँ पर ब्लाइंडर की हेल्प से इसको अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे यानी मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें कोई भी लंग्स ना रह जाए। और यहाँ पर अच्छे तरीके से अनियन में कलर आ चुका है गोल्डन। तो फ्रेंड्स, हमें इसी तरीके से चाहिए था। और 1 चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट यानी जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको भी ऐड करके मिक्स कर लेंगे, इससे भी फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो फ्रेंड्स, आप इसे भी मिस मत करिएगा। गैस का फ्लेम यहाँ पर मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम में ही अब हम इसको कुक करते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद 1 मिनट तक कुक करेंगे। फिर उसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट यानी नमक, कुछ बेसिक से पाउडर ऐड करेंगे। रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया 1 चम्मच यानी लाल मिर्च का पाउडर मैंने यहाँ पर 1 चम्मच ऐड किया है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रखें। 1/2 चम्मच यहाँ पर ऐड कर दूंगी मैं हल्दी पाउडर यानी टर्मरिक पाउडर। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे मसाले में। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, मिक्स कर रही हूँ मैं और ऐड कर देंगे जो हमने छाछ और बेसन का बैटर तैयार किया है, इसको भी ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे मसाले में। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लग रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, उसमें हम पानी ऐड कर देंगे जिस बर्तन में हमने ये घोल तैयार किया था, और फिर उससे पलट लेंगे इसी में और इस तरीके से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे और चलाते जाएंगे, ताकि ये इसमें हमने जो बेसन ऐड किया है वो नीचे बैठे ना। इस तरीके से चलाते जाएंगे और यहाँ पर हम पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं 1 बाउल ऐड कर रही हूँ यानी 1 कटोरी। आप चाहें तो कम या ज़्यादा रख सकते हैं, और ज़्यादा ऐड करेंगे तो फ्रेंड्स कढ़ी थिक भी होगी बाद में, इसलिए यहाँ पर मैंने ज़्यादा पानी रखा है कढ़ी में। और अभी हम इसमें पकौड़ी भी ऐड करेंगे, तो उस हिसाब से यहाँ पर मैंने पानी ऐड कर दिया है। आप यहाँ पर पानी कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो चलिए अब पकौड़ी तैयार कर लेते हैं। बेसन ले लिया है यहाँ पर मैंने 1 कप। 1 कप बेसन लेने के बाद इसमें मैंने 1 मीडियम साइज की अनियन ऐड की यानी प्याज ऐड कर दी स्लाइसेस में कट। नमक ऐड कर देंगे और यहाँ पर हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, 1-1 चम्मच ऐड कर दिया है। लाल मिर्च का पाउडर भी साथ में ऐड कर देंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 चम्मच यानी 1 छोटा चम्मच क्यूमिन सीड यानी जीरा ज़रूर ऐड करिएगा, इससे फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा पकौड़ी में। थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड करते जाएंगे और यहाँ पर हम पकौड़ी का बैटर बनाकर कर लेंगे तैयार। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करेंगे, एक साथ नहीं ऐड करेंगे, नहीं तो बैटर ढीला हो सकता है। और अगर आपका बैटर ढीला हो जाए तो आप उसमें बेसन भी ऐड कर सकते हैं उसको मेंटेन करने के लिए। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले फटाफट से बेसन की पकौड़ी बनाने के लिए यहाँ पर हम बैटर को कर लेते हैं तैयार। और फ्रेंड्स, ये रेसिपी मेरी है, मैं अपने तरीके से इसे बनाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत ही ज़्यादा कम वक्त में बन जाती है। तो फ्रेंड्स, इसको हम कवर करके रख देंगे कम से कम 10 मिनट के लिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर पकौड़ी को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने ऑयल रख दिया है यानी तेल रख दिया गर्म होने के लिए। ये अच्छे तरीके से नॉर्मल गर्म हो चुका है और यहाँ पर हम पकौड़ी भी फ्राई कर लेते हैं। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके बैटर ऐड करते जाएंगे और यहाँ पर पकौड़ियों को कर लेते हैं बनाकर तैयार। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, गैस का फ्लेम यहाँ पर मीडियम रखेंगे, मीडियम और हाई के बीच में ही इसको फ्राई करेंगे।
तो देख सकते हैं आप यहाँ पर अच्छे तरीके से फ्राई हो रही हैं और कुछ ही सेकेंड होने के बाद हम इसको पलटने भी लगेंगे इस तरीके से। यहाँ पर मैंने एक छोटे चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरीके से यहाँ पर हम अलट पलट करके इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे जब तक इसमें गोल्डन कलर नहीं आ जाता है। इसमें हमें हल्का सा गोल्डन कलर चाहिए फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पर इसे फ्राई करने में 2 से 3 मिनट ही लगेंगे और गैस का फ्लेम यहाँ पर हम मीडियम और हाई के दरमियान यानी इनके बीच में ही रखेंगे और इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। और फ्रेंड्स, इन्हें फ्राई करने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता और ना ही कढ़ी बनाने में ज़्यादा वक्त लगता है, तो आप बताएं आप कब बनाएंगे इस कढ़ी को। फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप यहाँ पर कढ़ी तो अच्छे तरीके से तैयार हो रही है। बस इसी तरीके से हम सभी कढ़ी को बना लेंगे और बना के कर लेते हैं फ्राई। और देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमने कढ़ी रखी थी इसमें अच्छे तरीके से उबाल आ चुका है। एक उबाल आने के बाद यानी एक जोश आ चुका है, गैस का फ्लेम अब हम बंद कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप यहाँ पर कढ़ी भी अच्छे तरीके से बन चुकी है और यहाँ पर हम पकौड़ियों को भी ऐड कर देंगे इसी में ही। तो लीजिए, देख सकते हैं आप यहाँ पर मैंने पकौड़ी ऐड कर दिया है। यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने वही कढ़ाई ली है, उसमें ऐड कर दिया है 2 चम्मच ऑयल, 1 चम्मच ज़ीरा और 3 लाल मिर्च जो साबुत खड़े होते हैं घर में, वही ऐड किया है। और इसको फ्रेंड्स गैस ओपन कर दी है। गैस का फ्लेम यहाँ पर मीडियम रखा है, मीडियम फ्लेम में ही हम इसको तैयार करेंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर 1 से 2 मिनट ही लगते हैं और इसमें अच्छे तरीके से फ्राई होना शुरू हो चुका है, इससे आवाज़ भी आ रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसको चला लेंगे स्पून की हेल्प से यानी चम्मच की हेल्प से, और 1 से 2 मिनट में यहाँ पर तड़का बन के तैयार हो जाएगा। तो इसको हम ऐड कर देंगे ऊपर से कढ़ी में। आप चाहें तो यहाँ पर कड़ी पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं, यानी जिसे करी लीव्स कहते हैं, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर तड़का रेडी हो चुका है, अब हम इसको ऐड कर देंगे कढ़ी में। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है, इसको ऐड कर लेंगे कढ़ी में। और फ्रेंड्स, कढ़ी एकदम सी हो गई है बनकर तैयार। तो आप इसे कब बनाएंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप इसे बहुत ही कम वक्त में बना सकते हैं। जब आपका मन करे तब बनाइए, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप इसका लुक इतना प्यारा आया है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप बनाइएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये किस तरीके से आपकी बनकर तैयार हुई है। ऊपर से मैंने ऐड कर दिया कसूरी मेथी इस तरीके से, तो फ्रेंड्स इससे भी फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, तो मैंने लास्ट में ऐड की है। आप चाहें तो पहले भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको इसी तरीके की और भी रेसिपी देखने को मिले और आपके यूज़फुल भी आए। तो फ्रेंड्स, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी इसे इंजॉय कर सकें, बना सकें। और चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।